हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया उनके अच्छे क्वालिटीज़ की वजह से। सिंबॉलिकली देखा जाए तो हर एक पांडव कोई ना कोई पॉजिटिव क्वालिटी को दर्शाता है। आज जिनके बारे में हम बात करेंगे वो है युधिष्ठिरा। युधिष्ठिरा प्राइमरीली दो पॉजिटिव क्वालिटी को दर्शाता है, युद्ध स्थिर यानी सत्य के लिए लड़ना। उन्होंने पूरी ज़िंदगी हमेशा सच का साथ देने की कोशिश की और उनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल था। महाभारत में वो स्टोरी तो सुना होगा जहाँ पे सभी पांडव अपने प्यास पे कंट्रोल नहीं रख पाए और प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही पानी पिया और मर गए। युधिष्ठिर एक लौते पांडव थे जिन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल रखा और सामने वाले के प्रश्न का मान रखा। उन्होंने अपने सगे भाई को जिंदा करने की जगह नकुल को जिंदा करने के लिए प्रार्थना किया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स से हमें पता चलता है कि युधिष्ठिर ने किस तरह से सत्य को पालन करने की पूरी कोशिश की और किस तरीके से अपने बॉडी माइंड इमोशंस पे कंट्रोल रखा। हमें भी यही दो क्वालिटीज युधिष्ठिर कैरेक्टर से अपने अंदर और बढ़ाना है जिससे कि हम भगवान के प्रिय हो सके। नेक्स्ट रील में मैं आपको बताऊंगी कि इतने अच्छे क्वालिटीज होने के बावजूद भी युधिष्ठिर के हाथों से एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था। क्या आप बता सकते हैं कि वो मिस्टेक कौन सा था? हरे कृष्णा।